जय मां मंगला जगत जननी मां मंगला जगतर कल्याण करो। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद प्रमोद शतपथी जंत्र ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत करूछ। दर्शक बंधु, अनेक विषय रे आगुरु आमे आलोचना करिछि, तबे वर्तमान जो विषय रे आलोचना करबा को जाउछि एक महत्वपूर्ण विषय जहां कि अशुभ समय रे अनेक कार्य करी हबो एवं शुभ मध्य हबो। समस्ते जानी चंती प्राय शुभ समय रे ही शुभ कार्य करि थामते, किंतु अनेक कार्य अछि गुरुत्वपूर्ण कार्य अशुभ समय रे कले सेथिरे सफलता मिलिथाय। एवं हिंदू धर्म रे सूर्य उदय ठारु सूर्यास्त तथा सूर्यास्त ठारु पुनी सूर्य उदय पर्यंत ए मध्यमर्ती समय को 30-30 दंड रे भाग करा जायछि, जहां को आमे चौ घड़िया बोली कहि थाउ। एवं चारि घड़ी बा चारि घट्टी हिंदी रे दंड को घट्टी बोली कहा जाय थाए, जहां फल रे से जो चारि घटी बा गोटिए दंड होची 24 मिनिट, चारि दंड को चौघड़िया नामकरण करा जायछि। से समय चौघड़िया समय को से 30 दंडर समयर अवधि को 8 भागरे मध्य भाग करा जायछि, जहार परिणाम स्वरूप दिन ओ रातिर समय को 8-8 चौघड़िया समय भोगै थाय। कारण प्रत्येक चौघड़िया समय चारि दंड, सेथि पई यह को चौघड़िया बोली कहा जाय। तबे नुवा कार्य आरंभ करबा को शुभ समय देखिबा पई चौघड़िया समय को मध्य व्यवहार करा जाय थाय। परंपरा अनुसार कोनोसी स्थान को यात्रा करबा को हेले तार शुभ समय देखिबा पई चौघड़िया समय को व्यवहार करथाम, किंतु तार सरलता हेतु एको अन्य कार्यर शुभ समय देखिबा पई मध्य व्यवहार करबा नित्यंत आवश्यक। कौनसी शुभ कार्य आरंभ करिबा पाई अमृत शुभ लाभ चर यही चारोटी रो चौघड़िया रे शुभ समय को बहुत उत्तम मानि थांती। शेष तीनोटी चौघड़िया रोग काल उद्वेग को अनुपयुक्त मना जाय थाए, जहां को त्याग करिबा उचित। किंतु सूर्य उदय सूर्यास्त रो मध्यवर्ती समय को दिनर चौघड़िया कहा जाय, सेपरि सूर्यास्त तापर दिनर सूर्य उदयर मध्यवर्ती समय को रात्रिर चौघड़िया कहा जाय। भल्लो एवं खराब चौघड़िया मुहूर्त को केमिति आपण जानिबे बा केमिति चिन्हित करिबे, प्रत्येक दिनर प्रथम मुहूर्त सेई दिन ग्रहर स्वामीक द्वारा शासित हेथाय। उदाहरण स्वरूप रविवारर प्रथम चौघड़िया मुहूर्त सूर्य बा रविंकर रवि ग्रहक द्वारा शासित होता है। यापर मुहूर्त क्रमशः चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि द्वारा शासित होता, दिनर अंतिम मुहूर्त मध्य से दिनर ग्रह स्वामी द्वारा शासित होता। से प्रत्येक चौघड़िया मुहूर्तर शुभ व अशुभ प्रभाव स्वामी ग्रहर प्रकृतिर आधार को नहीं चिन्हित करने को पड़ता है। वैदिक ज्योतिष रे शुक्र बुध चंद्र बृहस्पति प्रभाव समय अवधि को शुभ कहा जाए, एवं रवि मंगल शनि प्रभाव समय रे अवधि को अशुभ कहा जाए। ता मध्यरे बार बेला काल बेला एवं कालरात्रि विषय रे मध्य बार बेला कालरात्रि समय रे कौनसी शुभ कार्य न करिबा उचित। बार बेला काल बेला दिन रे प्रचलित होइथाय, सेपरि काल रात्रि राति समय रे प्रचलित होइथाय। यही समय मध्य रे जे कोनोसी शुभ कार्य कले शुभदायक हेइ नथाय। शुभ चौघड़िया तथा राहु काल एकाठी थिले कोन करिवे तार उपाय कोन, या कोन संभव जे शुभ चौघड़िया तथा राहु काल एकाठी रहिथिबा को समय रे राहु काल को अनिष्ट कारक बोली कहा जाय। राहु काल अर्थ होची मध्य काल बेला, दक्षिण भारत रे शुभ समय को देखिबा बेले अधिक गुरुत्व दे थांती महत्व दे थांती, कारण मुहूर्त पई
राहु कालर कोनोसी प्रामाणिक तथ्य नाही किंतु ए शुभ चौघड़िया मुहूर्त को त्याग करबा उचित जदि 12 बेला काल बेला काल रात्रि बेला शुभ चौघड़िया एक संगरे आसी थामती बा एक संगरे पड़े तेबे कोन करिवे यह संभव जे 12 बेला काल रात्रि सहित शुभ चौघड़िया संयुक्त हेथाय यही चौघड़िया समय को चयन समय रे 12 बेला काल रात्रि को त्याग करबा उचित 12 बेला काल रात्रि रो समय रे जो शुभ कार्य करा जाए ता शुभ फल मिले नहीं वांछित परिणाम मध्य दियंती नहीं सठिक के आधार रे प्रत्येक चौघड़िया मुहूर्त को शुभ अशुभ रूप रे चिन्हित करि परिबे ध्यान रखिबा को होब जे अशुभ चौघड़िया मुहूर्त मध्य अशुभ कार्य पई एकदम शुभ फल देई थाए बा उचित हेई थाए उद्वेग चौघड़िया जो आठटी चौघड़िया मध्यरु प्रथम होचु उद्वेग चौघड़िया ज्योतिष शास्त्र रे सूर्य बा रवि ग्रह को एक अनिष्टकारी ग्रह बोली कुआ जाय छि सेति पई यहार प्रभाव विशेष अशुभ कुआ जाय ओ उद्वेग रूप रे चिन्हित करा जाय छि सेति पई सरकारी कार्य रे उद्वेग चौघड़िया को व्यवहार कले अत्यंत शुभ फल मिली थाए माली मकदमा किंबा सरकारी क्षेत्र रे चाकरी करूथिबा व्यक्ति माने सरकारी क्षेत्र रे इंटरव्यू दउथिबा व्यक्ति माने जदि एही समय रे घरु बाहरंती बा इंटरव्यू दबा को जामती किंबा कर्म रे जोग दबा को जामती बा सरकारन कठार कोनोसी जिनीस प्राप्त होबार थिले जदि ताको प्राप्त करबा को जाउ थामती ताले एही उद्वेग चौघड़िया को गणना करी जेते बेले उद्वेग चौघड़िया भोग होउथिबो सेही समय रे जदि जामती ताले से कार्य रे सफलता मिलिबो चर चौघड़िया परवर्ती चौघड़िया होउछि चर चौघड़िया जहा कि ज्योतिष शास्त्र रे शुक्र ग्रह को लाभकारी ग्रह बोली कहा जाय तार प्रभाव शुभ हेई थाय चर बा चंचल रूप रे ये चिन्हित करा जाय शुक्रंकर चर प्रकृति हेतु चर चौघड़िया को यात्रा उद्देश्य पई विशेष उपयुक्त हेई थाय बोली कहा जाय थाय जदि दूर यात्रा करंती विदेश यात्रा करंती जे जो समय थाउना काहि कि जदि चर चौघड़िया भोग होउथिबो एही समय रे जदि विदेश यात्रा करंती बा व्यवसाय पई यात्रा करंती कोनोसी नूतन द्रव्य क्रय करबा को घरु बाहरंती किंबा विवाह जोग रे मध्य जदि एही समय रे घरु बाहरंती ताले समस्त प्रकार आशा अभिलाष पूर्ण हेई थाय या परे लाभ चौघड़िया ज्योतिष शास्त्र रे बुध ग्रह को लाभकारी ग्रह बोली कहा जाय तेणु यार प्रभाव शुभ हेथाय आकु लाभ रूप रे चिन्हित करा जाय छि लाभ चौघड़िया को शिक्षा आरंभ करबा पई तथा नूतन कौशल प्राप्त करबा पई विशेष उपयुक्त बोली मानि थांती एही समय रे जदि शिक्षा आरंभ करंती विद्या आरंभ करंती किंबा जे कोनोसी व्यवसाय आरंभ करंती ताहाले ये समय रे जदि आरंभ करंती बहुत फल फल मिलिबा एवं बहुत लाभवान मध्य हेथा या परे होची अमृत चौघड़िया ज्योतिष शास्त्र रे चंद्र ग्रह को लाभकारी ग्रह कुआ जाय तेनु यहार प्रभाव अत्यंत शुभ हेथाय या को अमृत रूप रे चिन्हित करा जाय छि अमृत चौघड़िया को सब प्रकार कार्य पई शुभ मना जाय थाय जेते शुभ कार्य अछि जेते अशुभ कार्य अछि सब गुडीक कार्य एही समय रे जदि आरंभ करंती बा तार व्यवहार करंती ताले बहुत फल फल मिलिबो या परे आसिला कालो चौघड़िया कालो चौघड़िया ज्योतिष शास्त्र रे शनि ग्रह एक अनिष्टकारी ग्रह बोली कहिथांती यार प्रभाव विशेष अशुभ कुआ जाय थाय याकु कालो रूप रे चिन्हित करा जाय थाय कालो चौघड़िया मुहूर्त रे कोनोसी शुभ कार्य करा जाय नाही यात्रा किंबा विवाह किंबा वधु यात्रा ए समय रे न करबा उचित किंतु धन उपार्जन करबा पई कालो चौघड़िया अत्यंत उपयुक्त समय ए कालो चौघड़िया समय रे जदि व्यवसाय आरंभ करंती कर्म क्षेत्र रे जोग दियंती किंबा धन आदान प्रदान करंती शुद्ध कारबार करंती ताहले अत्यंत शुभ फल मिलिथाय
शुभ चौघड़िया ज्योतिष शास्त्र रे बृहस्पति ग्रह को लाभकारी ग्रह कहा जाय छी। यार प्रभाव शुभ हे थाए एवं शुभ रूप रे मध्य चिन्हित करा जाय। शुभ चौघड़िया को विशेष भाव रे विवाह क्षेत्र रे विवाह आयोजित क्षेत्र रे एवं व्रतोपनयन गृहारंभ गृह प्रतिष्ठा करिबा पई ये होची विशेष उपयुक्त समय बोली आकु धरा जाय छी। शुभ चौघड़िया को विशेष भाव रे विवाह समय रे बा विवाह प्रस्ताव स्थिर करिबा समय रे विवाह आयोजन करिबा समय रे करिबा पई एवं व्रतोपनयन करिबा पई गृहारंभ करिबा पई गृह प्रतिष्ठा करिबा पई व्यवसाय आरंभ करिबा पई अत्यंत उपयुक्त समय बोली आकु धरा जाय छी। एवं याकु चिन्हित करी यदि यही समय रे यही सब कार्य करंती ताले अत्यंत शुभ फल निश्चय हो। या पर आसला रोग चौघड़िया ज्योतिष शास्त्र रे मंगल ग्रह को एक अनिष्टकारी ग्रह बोली कहा जाय छी। यार प्रभाव अशुभ होई थाए यहाँ को रोग रूप से चिन्हित करा जाय छी। यही रोग चौघड़िया रे कोनोसी शुभ कार्य करा जाय नाही किंतु बाद विवाद अस्त्रोपचार युद्ध शत्रु को हरेइबा पाई माली मकदमा किंबा बाद विवाद प्रतियोगिता परीक्षा ये सब क्षेत्र रे जदि यही रोग चौघड़िया को व्यवहार करा जाए आकु निर्धारण करी यदि यही कार्य सब ये समय रे करा जाय थाए ताले अनेक शुभ फल अत्यंत शुभ फल भोग होई थाए। सेथि पई ये जो अशुभ समय सब कहली ये अशुभ समय रे ये सब जते गुडी शुभ कार्य हो बोली लोक धरंती केवल विवाह गृहारंभ गृह प्रतिष्ठा व्रतोपनयन यही चारोटी जिनिष को बा यही चारोटी कथा को छाड़ी देले अन्य सबु कार्य पाई यही सब अशुभ समय तक बहुत भल फल देथाय। सेथि पई आकु ठीक भाव रे उपयोग करंतु आपण मानकर मनस्कामना पूर्ण हो सकल क्षेत्र रे विजय लाभ हो यह ही आशा करूची। पुनर्बार आसंता अध्याय रे पुणी आपण मानक सहित देखा हबो। जदि हमर ए वीडियो टी आपण को भलो लागी थाए ताले शेयर करंतु लाइक करंतु। हाँ दर्शक बंधु जदि हमर चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती ताले एबे थारु सब्सक्राइब करि नियंतु। आगामी दिन मानकर नुआ नुआ तथ्य आपण मानक पाखरे हम उपस्थापित करि परिबु। जगत जननी मां मंगला आपण मानकर आशा अभिलाष पूर्ण करंतु एतिकी कामना करी रहूची। जय मां मंगला।